गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग हमारे चैप्टर के लास्ट आर्टिकल पर, लास्ट टॉपिक पर अब आ चुके हैं। सिर्फ एक चीज हमारी बची थी, जैसा हमने कहा था पिछले लेक्चर में, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा था। एंड द लास्ट थिंग, जो सबसे आखिरी चीज अब हमारी बची है पढ़ने की, दैट इज द इलेक्ट्रिक जनरेटर। द इलेक्ट्रिक जनरेटर, नाउ इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या बताया था, दैट वी कैन कन्वर्ट मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स को यूज करते हुए, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डेवलप इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर हमें एक मेथड मिल रहा है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर पाए, रादर देन यूजिंग बैटरीज। बैटरीज की बजाय हमें एक और मेथड मिल रहा है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट यूज कर पाएंगे। सो हम कंपेयर करें दोनों मेथड्स को। एक हम बता रहे हैं कि जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो डेवलप होता है वो तब होता है जब हम एक बैटरी यूज करते हैं। अगर हम एक सर्किट में बैटरी लगा देते हैं तो जो बैटरी होती है उसके अंदर केमिकल्स जो है, जिनमें केमिकल एनर्जी है, द केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहां पर हम कुछ और करना चाहते हैं, रादर देन यूजिंग केमिकल एनर्जी हम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला प्रिंसिपल यूज करके, वो मेथड यूज करके यहां पर हम इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करना चाहते हैं। सो हमने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस करंट चाहिए तो दो तरीके हैं। या तो हम एक कॉइल के पास मैग्नेट लेकर आए, ठीक है, कॉइल के पास हम मैग्नेट लेकर आए, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें, या फिर हम मैग्नेट वहीं पर रखें और कॉइल को मूव करें। ठीक है, ये हमने बताया था। इस तरह से दो अलग अलग मेथड्स हैं जिससे इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो सकता है। नाउ एज आई सेड, प्रैक्टिकली इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस इट इज मोर कन्वीनियंट टू मूव द कॉइल। कॉइल को मूव करना, कॉइल को आगे पीछे ले जाना ज्यादा कन्वीनियंट होता है एज कंपेयर टू मूविंग द मैग्नेट। मैग्नेट को मूव करना ज्यादा मुश्किल होता है बिकॉज द मैग्नेट्स आर हेवियर। अगर हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमें बड़े बड़े मैग्नेट्स चाहिए होते हैं, एंड द मैग्नेट्स बिकम वेरी हेवी, उनको मूव करना सिंपल नहीं होता है। रादर देन दैट हम क्या करते हैं, हम कॉइल को किसी तरह से मूव करते हैं, और वही प्रिंसिपल हम यहां इलेक्ट्रिक जनरेटर में लगाएंगे, यही प्रिंसिपल हम इलेक्ट्रिक जनरेटर में यूज करेंगे। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक जनरेटर? इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम किसी तरह से कॉइल को घुमाएंगे, ठीक है, और उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर का एग्जैक्टली ऑपोजिट, इलेक्ट्रिक मोटर का एग्जैक्टली ऑपोजिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या कर रही थी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में बदल रही थी। हम बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे थे और फिर वहां पर वो एक्सेल घूम रहा था जिससे हम
मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क ले सकते हैं। यहां पर उसका उल्टा हो रहा है, हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे, ठीक है, हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और ये डिवाइस, दिस डिवाइस विल कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ यहां पर प्रिंसिपल क्या वर्क करेगा, द प्रिंसिपल और वी कैन से द फिजिक्स बिहाइंड द वर्किंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक मोटर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यहां पर हम वही मेथड यूज करेंगे, वही चीज करेंगे जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताई और उसको यूज करते हुए हम करंट प्रोड्यूस करेंगे। यहां पर जो रूल अप्लाई होगा इसीलिए डेफिनेटली वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होगा, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज किया जाएगा वहां पे, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। वहां पर हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, द प्रिंसिपल बिहाइंड इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड द रूल विच विल यूज टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ दिस इलेक्ट्रिक जनरेटर दैट विल बी द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब हम इसका सेटअप देखते हैं, वॉट इज द सेटअप ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो किस तरह से वर्क करता है, फाइनली फिर हम ये चीज बताएंगे।
ठीक है। तो ये सेटअप है हमारा। नाउ देखने में तो ये काफी कुछ वैसा ही दिखेगा जैसा हमने इलेक्ट्रिक मोटर के लिए बताया था, बट देयर इज अ मेजर डिफरेंस। इलेक्ट्रिक मोटर में हमने यहां पर बैटरी लगाई थी, अब वो बैटरी यहां पर नहीं होगी क्योंकि हम कोई इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम बैटरी नहीं लगाएंगे, यहां पर तो हम इस सेटअप के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। सो द सेटअप में लुक सिमिलर टू दैट ऑफ अ मोटर, पर इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। हाँ, ये पार्ट सेम है कि यहां पर एक मैग्नेट है, एक कॉइल है, एक एक्सेल है, दैट पार्ट इज सेम, वो पार्ट तो बिल्कुल वैसा ही है, बट देर आर सम डिफरेंसेस सेटअप में ही, कुछ डिफरेंसेस है यहां पे। ठीक है। नाउ अगेन, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द सेटअप, सेटअप के पार्ट्स क्या क्या है यहां पे? फर्स्ट मैग्नेट्स, ठीक है। अगेन अ सिंगल हॉर्स शू शेप मैग्नेट, एक ऐसा मैग्नेट जो इधर से घूम के इधर आ रहा हो, एक सिंगल मैग्नेट, और वी कैन यूज टू सेपरेट मैग्नेट्स जिनके पोल्स ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। द रीजन बीइंग हमें इधर की तरफ इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वी नीड मैग्नेट्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रॉन्ग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जिस रीजन में ये कॉइल रखी हुई है, ठीक है, जिस रीजन में वो कॉइल रखी हुई है, सो द मैग्नेट्स, द पर्पस ऑफ मैग्नेट्स इज टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन वेयर द कॉइल इज प्लेस्ड, उस रीजन में हमें एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। यहां पर मैग्नेट्स का पर्पस एग्जैक्टली वही है जैसा मोटर में था, वही यहां पर सेम पर्पस है। देन देयर इज अ कॉइल, ठीक है। कॉइल के डिटेल्स भी वैसे ही रहेंगे, इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप्ड कॉइल मेड ऑफ कॉपर वायर, रेक्टेंगुलर शेप्ड कॉइल मेड ऑफ कॉपर वायर एंड हैविंग अ फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसमें, ये 5 turns, 10 turns, 20 turns, एज पर आर रिक्वायरमेंट, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर शेप्ड कॉइल ऑफ कॉपर वायर हैविंग अ फ्यू टर्न्स, ठीक है, या हैविंग टर्न्स एज पर रिक्वायरमेंट, जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वहां पर हम टर्न्स देखेंगे। Then the third part, this axle, axle के details भी again वही होंगे, वैसे ही होंगे। It is a cylindrical rod made of aluminium or steel, steel या aluminium की एक rod होगी ये, ठीक है, जिस पर basically ये अंदर का पूरा setup mounted होगा, इसके ऊपर ये सेटअप लगा होगा। ठीक है, बस यहां पर जो है एक्सेल का पर्पस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। द एक्सेल इज मेंट टू बी रोटेटेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट, मतलब यहां पर अब
इलेक्ट्रिक करंट से ही एक्सेल रोटेट नहीं होगा, हम एक्सेल को रोटेट करेंगे, ठीक है, वी विल रोटेट द एक्सेल, और उस वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा उससे फिर हम यहां पर इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे इस सेटअप में, ठीक है। एक्सेल का जो पर्पज है वो यहां पर चेंज हो गया है, ठीक है, इट इज रोटेटेड। To provide the mechanical energy. इसको हम गोल गोल घुमाते हैं जिससे कि mechanical energy हम यहां पर system में provide कर सकें। ठीक है, देन देर आर दीज रिंग्स, यहां पर फिर ये रिंग्स हैं आर वन एंड आर टू। अब ये जो रिंग्स हैं ये स्प्लिट रिंग्स नहीं है जैसी मोटर में थी, दीज आर कंप्लीट रिंग्स, ये पूरी पूरी रिंग्स होती हैं, कंप्लीट रिंग्स होती हैं, ठीक है, जिनको हम जो टर्म देते हैं दैट इज स्लिप रिंग्स। इनको जो हम नाम देते हैं दे आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स। ठीक है, इनकी भी जो स्पेशलिटी होगी वो वैसी ही होगी जैसा स्प्लिट रिंग्स में था। ठीक है, दैट इज द आउटसाइड पार्ट, the outside part of these rings will be conducting, the inside part will be insulated, jo andar wala part hai wo insulated hoga, theek hai, bahar ki surface jo hogi wo conducting hogi, andar wali surface jo hai wo insulated hogi, bilkul waisa hi jaisa split rings mein tha, theek hai, they are full rings not half rings, दे आर फुल रिंग्स। ठीक है, कंडक्टिंग आउटसाइड सरफेस एंड इंसुलेटेड इनसाइड सरफेस। And similar to split rings, they are attached on the axle. ये जो है axle के साथ जुड़ी हुई होती है, चिपकी हुई होती है। They are attached to the axle. ठीक है, these slip rings, these rings are attached on the axle. ये axle पर जुड़ी हुई होती है। Then the fifth part, यहां पर फिर से जो हमने यूज किया है ब्रशेस यूज किए हैं हमने, इलेक्ट्रिकल ब्रशेस या कंडक्टिंग ब्रशेस। कंडक्टिंग ब्रशेस ठीक है, ये पार्ट अगेन सिमिलर है, द ब्रशेस दे आर कंडक्टिंग ब्रशेस, ये किसी कंडक्टिंग मटेरियल के बने होंगे और ये अपनी जगह पर फिक्स्ड रहेंगे, ये ब्रशेस जो है ये अपनी जगह पर फिक्स्ड रहेंगे, ये जो रिंग्स है ये एक्सेल के ऊपर फिक्स्ड रहेंगी, लेकिन ये रिंग्स एक्सेल के साथ लगी हुई है, ये ब्रशेस बाहर फिक्स्ड है, पर जब हम इसको घुमाएंगे तो जैसा वहां पर था ये ब्रश हमेशा इन रिंग्स के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, द ब्रशेस विल ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द रिंग्स। ठीक है, ये
सेपरेटली मूव करेंगी रिंग्स एक्सेल के साथ, लेकिन ब्रश के साथ हमेशा ये कॉन्टैक्ट में बनी रहेगी. ठीक है, दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ द रिंग्स. Remain in contact with the rings.